हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, फाइनली कल से आपके इंटरनल असेसमेंट यानी 27 नवंबर से फर्स्ट सेमेस्टर के जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस साल एसएल में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, उन सभी के कल से इंटरनल असेसमेंट शुरू होने वाले हैं। और ये जो इंटरनल असेसमेंट शुरू होने वाले हैं, उन इंटरनल असेसमेंट के लिए इनके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। और मोस्टली स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर, हमें कल से जो शुरू होने वाले हैं, हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या रहेगी, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे इसके लिए, वो आज मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना। तो देखिए, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया, उन सभी के इंटरनल असेसमेंट कल से शुरू होने वाले हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आप जो ये जो इंटरनल असेसमेंट है, ये जब मर्जी आप दे सकते हो। अगर आप कल नहीं दे पाओ, परसों दे सकते हो, सुबह दे सकते हो, शाम दे सकते हो। बट एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को टिक करोगे, ओपन करोगे उसका असेसमेंट, तो उस टाइम पे उसको आपको देना कंपलसरी रहेगा। मान लीजिए जैसे आपने ओपन किया, तो उसकी जो टाइमिंग है वो ओपन हो जाएगी 45 मिनट्स की, वो चलने लगेगी, तब उस टाइमिंग को आप स्टॉप नहीं कर सकते, वो आपको देना कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। तो इस चीज़ को जरूर याद कर लेना, जब भी आप इंटरनल असेसमेंट दे रहे हो तो सोच समझ कर देना कि पहले मुझे किस सब्जेक्ट का पहले देना है, और जब भी मैं बैठा हूँ क्या वो मेरे लिए प्रॉपर समय है या नहीं है। दूसरी चीज़ एक है आपकी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंटरनल असेसमेंट में, क्योंकि ये इंटरनल असेसमेंट आपके ऑफलाइन नहीं हो रहे, ऑनलाइन हो रहे हैं। तो आपका जो नेट कनेक्शन है, 5G है, 4G है, वाईफाई है, ये प्रॉपर चलना चाहिए। ऐसा ना हो आपने पोर्टल लॉगिन किया, इंटरनल असेसमेंट देने बैठे, वहाँ टाइमिंग चली है, आपका नेट ही खत्म हो गया। ठीक है, तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, मिस मत करना। एक इंटरनल असेसमेंट देने के लिए आपको दो चांस मिलेंगे, यानी इन दोनों में से जो भी बेटर रहेगा, जिसमें भी नंबर आप अच्छे लेकर आओगे, उसको फाइनल ईयर में आपका मार्कशीट में उसके नंबर ऐड किए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, डेट शीट तो कोई आएगी नहीं, कल आपके जो पोर्टल है उसी पर शो होने लगेगा, जैसे मॉक टेस्ट शो हुआ था। ओपन करोगे डैशबोर्ड पर, राइट साइड में आपका लेफ्ट कॉर्नर पर वहाँ पे एक ऑप्शन होगा बुक जैसा, वहाँ असेसमेंट का बस शो कर रहा होगा, कल से शो होने लगेगा। ठीक है, कमिंग सून अभी शो कर रहा होगा, आप जिसका भी दे सकते हो। अब काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट है कि सर, सिलेबस क्या रहेगा इसका, मीडियम क्या रहेगा। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मीडियम की अगर बात करूँ, तो इंटरनल असेसमेंट मोस्टली जो होता है, ज़्यादा हो सकता है कि आपको इंग्लिश में भी देखने को मिले कुछ सब्जेक्ट के, और कुछ सब्जेक्ट आपको दोनों लैंग्वेज में भी देखने को मिले। तो बाकी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ चीज़ को लेके, कि बिल्कुल भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है कि मीडियम क्या है, क्योंकि ये घर पर आप दे रहे हो बैठ के, आप कहीं गए नहीं हो, आपको कोई ये नहीं है कि आपका टीचर सामने बैठा हुआ है वो देख रहा है, क्योंकि यहाँ कैमरा आपका ऑफ रहेगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप। अब एक चीज़ और मोस्टली स्टूडेंट के दिमाग में आती है, सर पासिंग क्राइटेरिया इसका क्या रहेगा, मतलब पास होने के लिए कितने नंबर इसमें चाहिए इंटरनल असेसमेंट में। तो वैसे देखिए, 35 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा, तो जो पासिंग क्राइटेरिया इसका रहेगा वो 40% का रहेगा, यानी कि आपको 35 में से 20 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसमें पास होगे। बट एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, घर पर आप दोगे तो 20 क्या आप सारे करके आओ, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, क्यों छोड़ना। ठीक है, बट जो पासिंग क्राइटेरिया वो 40% का, ठीक है, तो सारे कर दीजिए, सही सही कीजिए, घर पे बैठ के भी क्या गलत करोगे आप, जिसमें आपको पूरा मौका मिला है MCQ देने का, और बाकी आप खुद समझदार हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और, मोस्टली स्टूडेंट की कमेंट है सर सिलेबस को लेके, सिलेबस का भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सिलेबस को लेकर भी एक ही चीज़ बोलूँगा, सिलेबस को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये पूरा आपकी बुक में से आएगा, हर चैप्टर से हो सकता है कुछ MCQ बना दे, और आर एस ए आ रहा, तो इतने ईजी MCQ आपको देखने को मिलेंगे, आप खुद कहोगे कि थोड़ा सा अगर जनरल नॉलेज आपकी अच्छी है तो आप आराम से निकाल दोगे, और बाकी तो आपको कई सारे मेथड आप खुद उसे आ रहे हो। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि बाकी आपको अगर लगता है कि कोई सब्जेक्ट हार्ड है तो उसको बाद में देना, क्योंकि पूरा टाइम है आपके पास, 10 दिसंबर तक का आपके पास पूरा टाइम है, तो जब मर्जी आप उसको दे सकते हो। अब ये मैंने बता दिया सिलेबस को लेके, सिलेबस इतना टफ नहीं है, पूरा बुक में से है। ठीक है, और एक चीज़ और, MCQ का मीडियम भी बता दिया, अब बात कर लेते हैं आपके क्या के पासिंग क्राइटेरिया बता दिया है, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। अभी भी मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी भी पासवर्ड एरर हो रहा है, तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो है learn@1234
LEARN@123456 ये आपका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है, फर्स्ट टाइम पासवर्ड है। अगर लॉगिन नहीं हो रहा है, आईडी आपका अकाउंट डिसेबल हो गया है, उस पर प्रज्ञान पोर्टल पे जाइए, क्लिक करोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे, वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे, दोबारा लॉगिन आईडी डालोगे, लॉगिन आईडी आपका एसओ रोल नंबर, लास्ट में @DU@roll number के साथ आपका @SOL, फिर SOL के साथ एक डैश वाला जो आइकन होता है, ठीक है, DU.AC.ED आपका लॉगिन आईडी बन जाता है। कैप्चा डालना, आपका जो रजिस्टर ईमेल पे उस पर आपका मेल आ जाएगा, उस मेल के लिंक पे क्लिक करोगे, वहाँ जाके आपका जो करंट का पासवर्ड होगा, जो भी पुराना पासवर्ड हो डालोगे, न्यू पासवर्ड बनाओगे, फिर आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। ब्लैंक स्क्रीन हो रही है तो आप दूसरा ब्राउज़र यूज करो, डेस्कटॉप मोड पे ब्राउज़र यूज करो, लैंडस्केप मोड पर वो ज़रूर ओपन आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा पीसी से देखो, ज़रूर हो जाएगा। और बाकी इंक्वायरी विंडो तो उसमें एक ईमेल दे रखा है, ईमेल पे ईमेल कर लीजिए। बाकी तब भी नहीं कुछ होता तो आप चाहे तो एसओएल विजिट कर सकते हो। बाकी मुझे लगता नहीं एसओएल जाने की जरूरत है, क्योंकि 90% स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट हो चुकी है। 10% ऐसे स्टूडेंट है जिनको यही नहीं पता कि उनके इंटरनल असेसमेंट होंगे कैसे। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, कल से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन होंगे, LMS पोर्टल पर होंगे, देना कंपलसरी रहेगा। किसी भी दिन आप कोई सा भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कल ही देना, परसों भी दे सकते हो, नर्सों भी दे सकते हो, जिस टाइम पे भी आप दे सकते हो, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया बता दिया, क्वेश्चन आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा, और जिस समय आप बैठ जाओगे स्टार्ट करने, वो चलता रहेगा टाइम, रुकेगा नहीं टाइम, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हैं जिनको आपको फॉलो करनी है इंटरनल असेसमेंट देने के टाइम पे, कुछ गाइडलाइंस है। पहली गाइडलाइंस ये है कि आपको एक ही आईडी को दो अकाउंट में लॉगिन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास दो मोबाइल है, और एक ही LMS पोर्टल को आपने दोनों मोबाइल पे सेम आईडी से अगर लॉगिन किया ना, तो आपका पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा। जी, जिस मोबाइल से लॉगिन कर रहे हो उसी में देना, ये नहीं करना उसमें लॉग आउट करके दूसरे में लॉगिन कर रहे हो, या दोनों को एक साथ लॉगिन करोगे ना दिक्कत हो जाएगी। या तो पहले यहाँ लॉग आउट कर लो, फिर दूसरे डिवाइस में लॉगिन करो। और दोनों को लॉगिन कर रहे हो, सो रहे हो कि मैं इससे भी लॉगिन कर लेता हूँ, उस पर भी लॉगिन कर लेता हूँ, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो इंटरनल असेसमेंट हो रहे हैं ये आप ऑनलाइन ही होंगे, और बाकी कहीं जाना आपको नहीं, कहीं से भी बैठ के आप दे सकते हो, चाहे यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, कहीं से भी, ठीक है। और एक चीज़ और, जाते जाते वीडियो ख़त्म करने से पहले, आप सभी को इंटरनल असेसमेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप अब कल देखने वाली बात है, कल जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। अभी बस मुझे बस एक ही चीज़ आपसे कहनी है कि एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस आप कर लीजिए, MCQ में आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, बट मैं कहूँ ईजी रहेगा, घर पर बैठ कर दोगे तो इससे ईजी क्या रहेगा, ठीक है। और बाकी आप तो आपको हेल्प कर ही रहेगा, कल एक वीडियो और आएगी इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन, पूरा डेमो लेकर आऊँगा कैसे आपको देना है। और बाकी तो आपको आता ही है, आपने गाइड मैनुअल गाइड यूज़र बुक अगर डाउनलोड कर लिए उसका भी आप यूज़ ले सकते हो, आराम से आप उसे देख के लॉगिन कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।